हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो अब ठीक हूँ। पहले मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी सी, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो आ रहा था और पापा की भी तबीयत ख़राब थी। अभी हो गई है गुड मॉर्निंग। और कल, जैसे ही आप सब लोगों को पता है, कल रक्षाबंधन है और मैं घर नहीं गई हूँ। ये मेरा शादी के बाद पहला रक्षाबंधन था, लेकिन पापा की तबीयत ख़राब होने की वजह से, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब होने की वजह से, इस वजह से थोड़ा बहुत मेरा जाना कैंसिल हो गया। और अभी ये इनकी नाइट शिफ्ट चल रही है, तो ये और पापा भी ग्लॉसरी का सामान लेने के लिए गए। मैंने कहा मैं नहीं जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा घर का काम देख लूँगी, आप लोग हो आओ। कल रक्षाबंधन है, इन दोनों की प्लानिंग चल रही है कि क्या बनेगा। कोई कह रहा है खस्ता कचौड़ी बनेगी, कोई बोल रहा है रसमलाई बनेगी। अब देखो कल क्या बनता है। इन दोनों को कुकिंग करनी है। कल मैं शूट करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कल क्या सीन रहता है। घर को मिस तो कर रहे हैं, मैं तो कर रही हूँ, इन दोनों को तो आदत है। लेकिन मेरा फर्स्ट रक्षाबंधन था तो मेरा बहुत मन था जाने का, लेकिन वही कि टिकट की पहले मेरा भाई आ रहा था, फिर भाई का भी किसी रीज़न की वजह से कैंसिल हो गया। तो फिर भाई आ रहा था तो मैंने भी टिकट कैंसिल कर दी कि वो आ रहा है, फिर लास्ट मोमेंट पे उसका भी कैंसिल हो गया। तो दूर, एक तो यहाँ से आगरा के लिए, फिर दूर के लिए भी, आप लोगों को पता है दूर के लिए टिकट पहले से करनी पड़ती है, उसी टाइम नहीं अवेलेबल होती है, तो फिर टिकट्स नहीं मिली। तो इसी रीजन्स की वजह से मैं रह गई। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पाता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन प्लान चल रहा है कि आगे मैं जाऊंगी कुछ दिन के लिए रहने के लिए। फिर पापा की तबीयत ख़राब थी, उनको भी ऐसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं है ना, ये ड्यूटी चले जाते हैं और फिर पापा अकेले रहते हैं। और पापा एक्चुअली में क्या है ना, पापा के पैर में ना थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, उस वजह से उनकी ड्रेसिंग होती है और टेस्ट करवाया था, तो इन्फेक्शन का जो टेस्ट हुआ था उस करवाया था तो थोड़ा सा इन्फेक्शन आया, तो इसी रीजंस की वजह से ड्रेसिंग होती है पापा की। तो एक होता है ना, पापा को थायराइड है, तो इस वजह से क्या होता है कि जो घाव भरने में टाइम लगता है उनको, और बीपी हाई हो जाता है उस वजह से। तो बीपी भी बार बार चेक करना और फिर दवाई देना, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसी रीजंस की वजह से, यही मेन रीज़न यही था कि मैं नहीं जा पाई, और कोई ऐसा कोई रीज़न नहीं था। मेरी तबीयत का क्या है, कभी दो तीन दिन से थोड़ा कमजोरी की वजह से बीपी लो आ रहा है, ऐसा कोई सीन नहीं है मेरी तबीयत का, वैसे मैं ओके हूँ। डेली मैं ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब डेली ब्लॉग्स आएंगे, क्योंकि आगे देखो गणेश चतुर्थी आ रही है, उससे पहले जन्माष्टमी आ रही है, काफ़ी सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो फेस्टिवल वाइब्स तो कितनी अच्छी लगती है। और अच्छा भी लगता है, और आप लोगों को दिखाऊंगी। मैंने ऑनलाइन चीज़ें परचेस की हैं डेकोरेशन की, गणेश चतुर्थी के लिए और जन्माष्टमी के लिए, आप मेरे ब्लॉग्स में देखते ही रहेगा। और अभी ये आएंगे, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये पापा और यही गए हैं दोनों, और आज का क्या सीन रहता है और कल के लिए क्या प्रिपरेशन रहती है। और मेरा मन तो नहीं है कल तैयार होने का, लेकिन देखती हूँ तैयार होती हूँ नहीं होती हूँ। और कल घर वालों की बहुत ज़्यादा याद आएगी, ये तो पक्का है कि कल घर वालों की याद आनी ही आनी है। कल मम्मी भी रो रही थी फ़ोन पे कि याद आ रही है, बहुत तेज़ याद आ रही है, फ़ोन कर मुझे, फ़ोन कर। और उससे पहले ही मैं थोड़ा सा रो के फ्री हुई थी कि हाँ मुझे याद आ रही थी घर, ये ड्यूटी गए थे, मैं झूला झूल रही थी तो मुझे याद आ रही थी घर। ये सब तो होता रहता है। और चलो आगे दिखाती हूँ मैं, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिएगा कि आगे क्या होता है। और अब डेली ब्लॉग्स आएंगे तो मिस मत करना, और शॉर्ट वीडियो आप लोग बहुत पसंद कर रहे हो, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। देखते रहिए। Bye.
सफाई हो गई है, बैठी कर दिया, झाड़ू पोछा कर दिया, और अब थोड़ा सा मैं सब्जी काट के और फिर नहा जाऊँगी, नहा के फिर सब्जी छोड़ जाऊँगी और फिर आटा लगा के तैयारी कर लूँगी। थोड़ा बहुत तैयारी करती रहती हूँ मैं सफाई के साथ ही। फ्री हो गई, अब नहाना है, मैं सोच रही हूँ वो लोग आ जाए, फिर सामान भी लगाना होता है, वो सामान इतना सारा लेके आएंगे, उसके बाद ही नहाऊँ। 12 बजे से पहले पूजा करनी होती है, बहुत सारी चीज़। आज हम सबकी फेवरेट लौकी बन रही है, पापा को, मुझे और इनको लौकी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोलो, अभी तो नहीं आए हैं, पापा को थोड़ी सी खांसी भी हो गई है, तो मैंने बोला था सीरप ले आना, लिख दिया था मैंने सीरप। सो देखो होता ही रहता है काम, तो कल इतने सारे कपड़े धुले थे, सो वो कपड़े आ सकता है कि छोटे मोटे काम बहुत हो जाते हैं, इन सबसे टाइम निकाल के फिर मैं पढ़ाई भी करती हूँ। अब आप लोग सोचते होंगे कि पढ़ाई का तो वीडियो लेती ही नहीं है, तो सच बताऊँ कुछ कुछ चीज़ें मुझे लेना पसंद नहीं है, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं उसका क्या वीडियो लेना, क्या दिखाना लोगों को कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोगों को बस मैंने इसलिए बता दिया कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं कुछ नहीं करती, मैं घर गृहस्थी में फंस गई हूँ। नहीं, मेरी पढ़ाई भी चल रही है साथ ही साथ, मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, अभी मेरी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है,
और इन्होंने अकेले अकेले ताली सीरीज देख ली है। तुमने भी देखी थी? हुआ क्या अभी दो टाइम से क्या हो रहा है, एक रोडीज हुआ या कोई एक अच्छी सीरीज हुई? अगर वो आती है तो ये अकेले देख लेते हैं, मेरा वेट नहीं करते, और कोई चीज आती है तो हम लोग साथ में देखते हैं। तुमने देखी इसीलिए मैंने देखी, तुमने दो एपिसोड नहीं देखे। देखो तो मैं सब लोगों को सजेस्ट करूंगी, ताली सीरीज आई है, बहुत अच्छी सीरीज है और बहुत डिसेंट एक्टिंग की है ना सुष्मिता सर ने, है ना, एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त की है, आप लोग भी देखना, बहुत अच्छी सीरीज है। इन्होंने देख ली है, मैंने भी देख ली है, और इस बार हमने अलग अलग देखी है। और एक रोडीज हुआ, ये भी अलग देख लेते हैं, मैं सो रही होती हूँ ये देख लेते हैं, फिर बोलते गुड्डू देखोगी। मतलब 100 रुपये का कॉइन आ रहा है क्या? 100 रुपये का सिक्का। किस चीज़ में? अरे सिक्का। कहाँ से? 100 रुपये का वो जिसे होता है ना, 10 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का सिक्का। अच्छा कॉइन आ रहा है, अच्छा अच्छा न्यूज, अच्छा वो पैसों में, अच्छा पता नहीं मुझे लगा इनको कहीं से गिफ्ट मिला है 100 रुपये का कॉइन। चलो तो बने रहिए वीडियो में। बाय। पहुंच के बता देना। को 12 बजे 12:30 तक आ जाते हैं। सो वे शाम मूवी इनके जाने के बाद और मूवी का एंड जैसे हो गया तो मैं सोने चली गई थी। सो क्या हो गया, मैं थोड़ा सा पढ़ लिया, पढ़ के उसके बाद फिर पापा की चाय का टाइम हो गया, पापा भी भागवत सुन रहे हैं, आप लोगों को पीछे से आवाज़ आ रही होगी। सो अभी मैं चाय भी बना रही हूँ। और हाँ, आप लोग भी बताना कि वो जो मैंने मूवी देखी तकदीर किस किस को पसंद है, मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है, इसलिए मैंने तुमसे कैप्चर कर लिया कि आप लोग शेयर कर दो कि हम लोग मूवी देख रहे हैं और ये किस किस को पसंद है। सो अभी हम थोड़ा चाय पियेंगे, शाम को वही मेरा और पापा का खाना, फिर ये 12:30 बजे तक आएंगे तो पापा सो जाते हैं और मैं जगती हूँ। सो आज का रूटीन यही था, आप लोगों को कैसा लगा सो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कल रक्षाबंधन का ब्लॉग होगा, सो बहुत सारा सपोर्ट करें ऐसे ही। ओके राधे राधे माय फ्रेंड्स, बाय।